स्वागत है आप सबका। सभी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक गणों का मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, मोहता महाविद्यालय साधुपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। अपन मानव वर्ल्ड की बुक में से मानव की प्रमुख प्रजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रमुख प्रजातियों का जो वर्गीकरण है रिपीट डेले के अनुसार, और भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है बीएस गोवा के अनुसार, इसका वर्गीकरण अपन पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। एक पहले क्लास में विश्व का वर्गीकरण है, और विश्व का वर्गीकरण में ही अपन जो निगेटिव प्रजाति के बारे में अपन ने अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन का दूसरा पॉइंट है विश्व के प्रजाति समूह, और विश्व के जो प्रजाति समूह प्रमुख प्रजाति समूह है उनमें से दूसरा आज है मंगोलाइड प्रजाति समूह। मंगोलाइड प्रजाति समूह तो क्या है, हेडिंग क्या है, विश्व की प्रमुख प्रजातियां और विश्व के प्रमुख प्रजाति समूह कौन सा है, मंगोलाइड प्रजाति समूह। मंगोलाइड प्रजाति समूह है ये एशिया और अमेरिका महाद्वीप में अधिकांश भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, एशिया तथा अमेरिका महाद्वीपों में मुख्य रूप से पाई जाती है। एशिया कौन सा, ये तो अमेरिका है, ये पूरा अमेरिका महाद्वीप में, और आपका एशिया, ये पूरा एशिया। इस भाग में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ये आपके मंगोलाइड प्रजाति। एशिया तथा अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश भाग में पाई जाती है। इस प्रजाति को एशिया अमेरिकन प्रजाति भी कहा जाता है। अमेरिका और एशिया में से क्या नाम गया, एशियाई अमेरिकन, अमेरिकन प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति के दूसरा नाम है एशियाई अमेरिकन प्रजाति के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करती है। मध्य एशिया में, उत्तरी पूर्वी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में, ये पूरे भाग में दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, और आपका मध्यवर्ती दो भाग है। तो मुख्य रूप से क्या है, ये आपका मध्यवर्ती भाग, उत्तरी पूर्वी भाग में चीन आपका, जापान, कोरिया ये, और इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलाया ये द्वीप है, ये आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। मुख्य रूप से आप देखते हैं एशिया में भी ये प्रजाति मुख्य रूप से मध्यवर्ती, उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इस महाद्वीप में भी मुख्य रूप से ये प्रजाति पाई जाती है। तो क्या हो गया, ये मुख्य रूप से मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप तथा आज के लिए इन महाद्वीपों में मुख्य रूप से ये मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। इन मंगोलाइड प्रजाति के आपको पहले बताया था कि इनकी आकृति में मुख्य रूप से इनके शारीरिक आकृति मध्यम आकार का इनका सिर होता है, आपका कद होता है मध्यम आकार के, क्या इनका सुसंगठित शरीर पाया जाता है, सिर का आकार छोटा होता है, नाक इनकी सपाट होती है, त्वचा का रंग पीलापन लिए होता है, आकार भी जो कद है इनका ये मध्यम आकार का होता है। ये मुख्य रूप से क्या है, इनके बाल होते हैं वो आपके सीधे होते हैं, और क्या होते हैं इनके बाल आपके क्या है कि लंबे होते हैं, लंबे सीधे बाल होते हैं, मध्यम आकार का सिर होता है, शरीर होता है इनका, और जो आपका सुसंगठित शरीर होता है, सिर का आकार छोटा होता है, नाक आपकी सपाट होती है, त्वचा का रंग क्या होता है इनका पीलापन लिए होता है। मुख्य विशेषता शारीरिक विशेषता पाई जाती है। इनके जो निवास क्षेत्र के आधार पर इस प्रजाति समूह को उत्तरी अमेरिकन, जो उत्तरी मंगोलाइड कहा जाता है, दक्षिण मंगोलाइड कहा जाता है, अमेरिकन इंडियन जो जहां ये निवास करते हैं उनके नाम के लिए इनके नाम भी क्या है कि इनकी प्रजातियों को भागों में बांट लेते हैं, वो भागों में बांट लेते हैं। तो निवास स्थान के आधार पर इस प्रजाति समूह को उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन मंगोलाइड, उत्तरी मंगोलाइड, दक्षिणी मंगोलाइड और अमेरिकन इंडियन मंगोलाइड, तीन उपभागों में इस प्रजाति को बांटते हैं। क्या क्या नाम हो गया, उत्तरी
मंगोलाइट, उत्तरी मंगोलाइट जो आपके उत्तरी भाग में निवास करते हैं उत्तरी मंगोलाइट कहलाते हैं, दक्षिणी भाग में दक्षिणी मंगोलाइट और आपकी अमेरिकन इंडियन मंगोलाइट जहां ये निवास करते हैं, निवास आधार पर इनको भी तीन उप प्रजाति में विभाजित किया जाता है। मंगोलाइट प्रजाति समूह को निम्नलिखित उप भागों में उप प्रजाति में भी बांटा जाता है। मुख्य रूप से क्या है इसके पांच भाग किए गए हैं, क्लासिकल मंगोलाइट, मूल या मलाया मंगोलाइट, आर्टिक या एस्कोमाइट मंगोलाइट, रेड इंडियन प्रजाति और इंडोनेशियन प्रजाति। मुख्य रूप से क्या है जो आपका ये मंगोलाइट प्रजाति है, मंगोलाइट प्रजाति को भी अपन क्या है कि मुख्य रूप से इसको पांच उपभागों में बांटते हैं, क्लासिकल मंगोलाइट, मूल मंगोलाइट या मलाया मंगोलाइट, तीसरा आपका आर्टिक या एस्किमोइड मंगोलाइट, रेड इंडियंस प्रजाति और आपकी जो पांचवी है इंडोनेशियन मंगोलाइट। मुख्य रूप से क्या है कि पांच उपशाखाएं हैं। अब इसमें से पहला आता है क्लासिकल मंगोलाइट, पहला आपका जो समूह है वो क्लासिकल मंगोलाइट है। ये साइबेरिया के आमूर बेसिन में मिलते हैं, इनमें कोरियन व गोल्डी गिल्पाइड गिल्पाग नर जाति समूह के लक्षण मिलते हैं। तो ये मुख्य रूप से कहां पाई जाती है आपकी जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ये साइबेरिया का ऊपर वाला भाग है, साइबेरिया रूस में है, रूस का भी ऊपर वाला भाग साइबेरिया है, इस साइबेरिया क्षेत्र में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। तो ये साइबेरिया के क्या है आमूर बेसिन में मिलते हैं, साइबेरिया की आमूर बेसिन, साइबेरिया की आमूर बेसिन, साइबेरिया ये रूस है, रूस का ऊपर वाला भाग है ये साइबेरिया कहलाता है, साइबेरिया वाला ये वाला भाग है, यहाँ आमूर बेसिन है और आमूर बेसिन में ये मुख्य रूप से आपके क्लासिकल मंगोलाइट प्रजाति पाई जाती है। इसमें कोरियन और गोल्डी गिल्पाग है, कोरियन और आपकी गोल्डी गिल्पाग ये नर जाति समूह पाए जाते हैं, नर जाति समूह इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, कोरियन और आपका है गोल्डी गिल्पाग नर जाति समूह भी सम्मिलित होते हैं, किसमें क्लासिकल मंगोलाइट प्रजाति। दूसरा आपका है मूल मंगोलाइट, जिसको अपन क्या कहते हैं मूल मंगोलाइट या मलाया मंगोलाइट। इस प्रजाति के अंतर्गत जो उत्तरी चीन है, मलेशिया है, तिब्बत के निवास करने वाले मंगोलाइट प्रजाति है, इसके मूल निवासियों को इस समूह में सम्मिलित करते हैं। उत्तरी ये चीन है आपका, चीन का ये उत्तर वाला भाग है, ये उत्तरी चीन है आपका, चीन वाला भाग आपका है और ये आपका तिब्बत है, इसमें तिब्बत वाला भाग है तिब्बत। तो मुख्य रूप से उत्तरी चीन, तिब्बत और जो आपका इसमें तिब्बत है, चीन है, मलेशिया है, इसके अंतर्गत निवास करने वाले जो प्रजाति है मंगोलाइट प्रजाति के है उसको इस वर्ग के अंतर्गत मूल मंगोलाइट या मलाया मंगोलाइट के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं, इनकी शारीरिक विशेषता होती है वो मूल मंगोलाइट प्रजाति से मिलती जुलती होती है, उनके समान ही इनकी लक्षण पाए जाते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं वो मूल रूप से क्या है इनमें जो मूल मंगोलाइट के हैं उसी प्रकार के मूल मंगोलाइट या आपका मलाया मंगोलाइट के भी वही गुण जो शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं जो मूल मंगोलाइट के पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से क्या जाना है ये आपका उत्तरी चीन है, तिब्बत है, तिब्बत वाला भाग आपका नीचे वाला भाग तिब्बत का है, उत्तरी चीन है और मलेशिया में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। क्या हो गया इसका मूल मंगोलाइट में ये उत्तरी चीन आपका तिब्बत होता है मलेशिया, मूल रूप से इन क्षेत्रों में रहते हैं, मूल शारीरिक विशेषता इनकी जो मंगोलाइट के समान ही है, छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं तो इनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो मूल मंगोलाइट के समान होते हैं। तीसरा आपका है आर्टिक या एस्कोमाइड, एस्किमो जो लोग हैं
एस्किमो लोग प्रजाति है वो भी मंगोलॉइड प्रजाति में आता है। कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एस्किमो प्रजाति है वो किससे बिलोंग करती है, तो एस्किमो जो आपकी जनजाति है ये किस प्रजाति समूह के लक्षण पाए जाते हैं, सारे लक्षण कौन से हैं, तो इसमें क्या है मंगोलॉइड की है। तो आर्टिक प्रजाति है ये मुख्य रूप से क्या उत्तरी आपका अमेरिका है, उत्तरी का अमेरिका महाद्वीप का कनाडा वाला भाग है, उत्तरी साइबेरिया का उत्तरी पूर्वी भाग है में निवास करने वाली जो प्रजाति है उसको इस प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इनकी आंखें छोटी होती है, छोटा सिर होता है, सपाट नाक होती है, काले रंग के इनके बाल होते हैं, आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। चुपची याकूत और ना सेमोसोइड है, सेमोइड्स है वो इसके क्या इसके उप प्रमुख भाग है जो आर्टिक या जो एवं एशियाई प्रजाति है। एस्किमो प्रजाति कौन कौन सी है, आर्टिक या एस्किमो एस्कोमोइड जो आपके मंगोलॉइड प्रजाति है ये मुख्य रूप से कहां मिलती है, तो उत्तरी कनाडा साइबेरिया, साइबेरिया का कौन सा उत्तरी पूर्वी भाग, दो चीजों में याद रखना उत्तरी कनाडा आपका उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया वाला ये वाला भाग है उत्तरी साइबेरिया और ये आपका कनाडा का ये उत्तर वाला भाग है, ये सब जो भाग आप ग्रीनलैंड का भी भाग कर लेते हैं ये प्रजाति कौन से कहलाती है आर्टिक या आपकी जो एस्कोमाइड एस्किमोमाइड प्रजाति है उसमें इसके लक्षण पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग कनाडा है उत्तरी भाग में साइबेरिया का उत्तरी पूर्वी भाग में निवास करती है, रहने वाली जाति है, छोटी इसके आपके आंखें छोटी होती है, इसकी सिर छोटा होता है, सपाट नाक होती है, काले रंग के बाल होते हैं, इनके लंबे बाल होते हैं और ये प्रजाति क्या है चुपची याकूत और सेमोइड्स ये इसके उपभाग है, इसके आर्टिक और एशियाई मंगोलॉइड प्रजाति के ही उपभाग है, चुपची याकूत और सेमोइड्स ये इसके उपभाग है। चौथा आपका है रेड इंडियन प्रजाति, रेड इंडियन प्रजाति है ये मुख्य रूप से आपके क्या है कि जो अमेरिका महाद्वीप के मूल प्रजाति है, अमेरिका महाद्वीप की जो आपके अमेरिका महाद्वीप है अमेरिका महाद्वीप की रेड इंडियंस क्या है मूल प्रजाति मानी जाती है, इसमें मंगोलॉइड के सभी लक्षण पाए जाते हैं। ये प्रजाति क्या है कि अमेरिका में प्रवेश किससे किया बेरिंग जलद्रो बेरिंग से प्रवेश होकर अलास्का ही और अलास्का के बाद में ये अमेरिका में फैल गई। तो क्या हुआ इसका मुख्य रूप से क्या है ये अमेरिका में अमेरिका के ये जो यहाँ देखो बेरिंग जलद्रो है इस बेरिंग जलद्रो से क्या आ गई अलास्का में आ गई अलास्का से अमेरिका में। तो ये आपके रेड इंडियंस है मुख्य रूप से कहाँ से है इनका प्रवेश द्वार कहाँ से है ये देखो यहाँ पर इसको कहते हैं बेरिंग जलद्रो, बेरिंग जलद्रो से ये अलास्का में प्रवेश कर गई, अलास्का से ये कनाडा होके अमेरिका में पहुंच गई। तो मूल रूप से क्या है ये अमेरिका की मूल महाद्वीप की क्या है अमेरिका महाद्वीप की मूल प्रजाति है, इसमें मंगोलॉइड के सभी लक्षण पाए जाते हैं और मुख्य रूप से ये प्रजाति क्या है आपके बेरिंग जलद्रो से होकर इस प्रजाति का अमेरिका में प्रवेश है वो बेरिंग जलद्रो से होकर अलास्का में आए होते हुए अमेरिका में फैल गए। क्या हुआ इसमें अमेरिकन प्रजाति है अमेरिका में से बेरिंग बेरिंग जलद्रो से होकर कहां आई अलास्का, अलास्का से अमेरिका ये प्रजाति क्या है अमेरिका की मूल प्रजाति, अमेरिका की मूल प्रजाति। और तो क्या आपकी पांचवी एक प्रजाति है इंडोनेशियन प्रजाति, इंडोनेशियन प्रजाति है या आपकी मलेशियन प्रजाति है इंडोनेशियन मलेशिया प्रजाति यह मुख्य रूप से आपकी क्या है एशिया महाद्वीप के चीन के दक्षिणी भाग हिंद चीन मलाया थाईलैंड में मुख्य रूप से पाई जाने वाली ये प्रजाति है। इस प्रजाति में मंगोलॉइड काकेसाइड निग्रेटो तीनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, तीनों का मिश्रित प्रजाति है ये एक प्रकार की क्या है मिश्रित प्रजाति पाई जाती है। ये इंडोनेशिया मलेशिया में पाई जाने वाली जो पोलिनेशियन प्रजाति है वो भी इसकी क्या है उपशाखा है किसकी इंडोनेशियन मलाया प्रजाति की। तो इंडोनेशियन मलाया प्रजाति है ये मुख्य रूप से क्या आपके ये आपके क्या है दक्षिणी चीन दक्षिण चीन मलेशिया
दक्षिणी चीन मलेशिया में और आपका क्या हिंद चीन मलाया, हिंद चीन थाईलैंड, थाईलैंड में मलाया, इनमें मुख्य रूप से पाई जाती है प्रजाति। इस प्रजाति में जो मुख्य रूप से लक्षण पाए जाते हैं वो आपके किसके हैं, एक तो लक्षण पाए जाते हैं इसमें पाकिस्तान प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, नीग्रो प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं और मंगोलॉइड भी, इन तीनों का क्या है इसमें मिश्रण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मिश्रण, इंडियन इंडोनेशियन और मलाया प्रजाति में। मुख्य रूप से ये इंडोनेशिया और मलाया प्रजाति है, इसका जो मिलावा रूप है उस पर पॉलिनेशन क्या कहते हैं, पॉलिनेशन प्रजाति। ये पॉलिनेशन प्रजाति भी क्या है, ये आपकी इंडोनेशिया और जो मलाया है, इंडोनेशिया और मलाया प्रजाति का मिश्रित रूप है पॉलिनेशन प्रजाति। ये पॉलिनेशन प्रजाति भी क्या है, इस इंडोनेशियन प्रजाति की ही एक उपशाखा मानी जाती है। विश्व की प्रमुख प्रजातियों में आपकी ऑस्ट्रोराइड प्रजाति प्रमुख शाखा है आपकी, जो मानव समूह है, मानव समूह में आपकी क्या है मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रोराइड प्रजाति है, इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। इन दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से ओशिनिया कहा जाता है, और ओशिनिया चूंकि इसका नाम ओशिनिया है इसलिए इसे ओशिनिया प्रजाति भी कहा जाता है। इसे क्या नाम गया, जो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है इस ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति को ओशिनिया प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को पूरे जो क्षेत्र है इसको सम्मिलित रूप से ओशिनिया कहा जाता है, और इसमें ये प्रजाति निवास करती है इसलिए इसका क्या नाम हो गया, ओशिनिया प्रजाति हो गई। इस प्रजाति के गहरे चॉकलेटी रंग होता है, कथई के समान इनके त्वचा का रंग होता है, लहरदार घुंघराले बाल होते हैं, चेहरा संकड़ा नीचे की तरफ होता है, काले रंग के इनके नेत्र होते हैं, होंट मोटे जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ है। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि गहरे चॉकलेटी रंग या कथई रंग के समान इनके त्वचा का रंग होता है, लहरदार घुंघराले बाल होते हैं, चेहरा आगे की ओर निकला होता है, संकड़ा होता है, नीचा होता है, काले रंग के इनके नेत्र होते हैं, होंट मोटे होते हैं, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ है आदि। और इनकी मुख्य विशेषताओं में देखा जाए तो इनकी मुख्य विशेषता है कि इनका सिर लंबा होता है और मध्यम से लंबा इनका जो आपका शरीर होता है, शरीर का मध्यम से अधिक लंबा होता है आदि शारीरिक विशेषताएं मुख्य रूप से इनकी पाई जाती है। मानव शास्त्रियों के अनुसार यह प्रजाति मध्य आपके मुख्य रूप से जो ये प्रजाति है ये मध्य एशिया में उत्पन्न हुई, सबसे पहले कहाँ हुई उत्पन्न हुई थी ये प्रजाति, मध्य एशिया, ये मुख्य रूप से मध्य एशिया में उत्पन्न हुई। मध्य एशिया से उत्पन्न होने के बाद में ये विकसित होने के बाद में जावा सैंडविच, कहाँ जावा सैंडविच, ये द्वीप हैं, इन द्वीपों से होते हुए फिर ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ पहुंच गई। सैंडविच आपका है इसमें मुख्य रूप से आपका जो टिमोर द्वीप है इनसे होके ऑस्ट्रेलिया में गई। तो ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है, देखो ये वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से इसमें जावा सुमात्रा द्वीप समूह इनसे होके यहाँ पर आपने क्या है कि ये जावा है, सुमात्रा है, सैंडविच है, इनसे होती होती हुई ये लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई। तो ये यहाँ से होती इनका रास्ता ये एशिया है, एशिया है, एशिया से होती हुई क्या हुई ये जावा है, सुमात्रा है, सैंडविच द्वीप है, इनसे होती हुई तिमोर से होती हुई ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई। तो मुख्य रूप से इनका जो निवास स्थान है सैंडविच है, जावा है आपका और तिमोर है, इन द्वीपों से होती हुई ये कहां पहुंच गई, ऑस्ट्रेलिया।
वर्तमान में क्या है ये मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। तो ये एशिया से उत्पन्न हुई ये माना जाता है कि मानव शक्ति मानते हैं कि इनका जो उत्पत्ति है ये मुख्य रूप से कहाँ है इनका, एशिया में है। एशिया से फिर ये द्वीप पूरे द्वीप एशिया के पूरे द्वीपों से होती हुई क्या की ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से पाई जाती है। वहाँ इनका जो निवास स्थान है वो वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रजाति के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, इस प्रजाति के अंतर्गत प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट इस प्रजाति को संबंधित किया जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट इसके अंतर्गत आता है और ये प्रोटोलाइट ऑस्ट्रोलाइट है इसकी क्या है आपकी जो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति है इसकी ही उपशाखा कौन सी है, ये उपशाखा है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ये उपशाखा है इसके है, ये ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति की उपशाखा कौन सी होगी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट सम्मिलित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रजाति से इससे भी पूर्व जो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति है इससे भी पूर्व की जो प्रजाति उत्पन्न हुई जिनके शारीरिक लक्षण किससे है ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के समान है। इससे पूर्व जो विकसित प्रजाति है जो उनके शारीरिक लक्षण है वो आपके ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के समान है, इन्हें आद प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है आद प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, इन्हें आद प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट पूर्व ऑस्ट्रोलाइट भी कहा जाता है इनको, जो कि जो आपके ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति समूह है इनसे पूर्व इनका विकास हुआ, इनसे पहले ये प्रजाति बनी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या है कि डार्विन है, ये भारत में पाई जाती है डार्विन, और श्रीलंका में आपकी वेदा प्रजाति है, वेदा प्रजाति है, और जापान में मुख्य रूप से जो आपके जापान की जो आइन ये प्रजाति है, आइन प्रजाति है, ये भी बुरिल प्रजाति है, ये भी क्या है ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति भी सम्मिलित की जाती है। तो जापान की आयन प्रजाति, बुरिल प्रजाति, भारत की द्रविड़ प्रजाति और श्रीलंका की वेदा प्रजाति है, ये भी क्या है इसी प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है।